अजमेर जिला प्रशासन द्वारा गली मोहल्लों और भीड़भाड़ वाले बाजारों में पटाखा बिक्री पर लगाई गई रोक ने पटाखा व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। पटाखा कारोबारियों ने कांग्रेस नेता गोपाल बाहेती व नगर निगम डिप्टी मेयर नीरज जैन के नेतृत्व में सोमवार को कलेक्ट्रेट पर विरोध करते हुए जिला कलेक्टर इंचदीप से मुलाकात कर कहा कि शहर में एक ही जगह पटाखों की दुकान लगने से सभी व्यापारियों को नुकसान होगा और खतरे की संभावना ज्यादा है। सभी व्यापारियों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि उन्हें जल्दी से रियायत दी जाए जिससे कि सभी दुकानदार दुकानें लगा सके। नगर निगम डिप्टी मेयर नीरज जैन मीडिया से बातचीत में कहा कि आगामी दिनों में दीपावली का त्यौहार है जिसे लेकर पटाखा व्यापारियों ने अपनी तैयारियां कर ली है। मात्र 6 से 7 दिन का व्यापारियों का कारोबार होता है, लेकिन फायर सेफ्टी ऑफिसर के सम्मिश्रण पर जो निर्णय लिया गया है वह ना कि दुकानदार के पक्ष में है और ना ही जनता के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि एक जगह इकट्ठा करके बारूद इकट्ठा किया जाएगा तो वहां आग लगने की संभावना ज्यादा है और खतरा बढ़ेगा। डिप्टी मेयर ने कहा कि ऐसी स्थिति में नगर निगम को नोडल एजेंसी बना रखा है, लेकिन नगर निगम वहां पर स्थायी दुकान नहीं बनाकर दे सकती। उन्होंने कहा कि लेकिन नियमों में है कि जहां स्थायी दुकान होगी वहीं पर पटाखों का लाइसेंस दिया जाएगा और जहां जगह निर्धारित की गई है वहां पर पक्की दुकानें नहीं बन सकती है। उन्होंने कहा कि जिस जनहानि से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है उससे बड़ी जनहानि होने की संभावना है। रविवार को व्यापारियों के साथ जिला कलेक्टर इंचदीप से मुलाकात कर उनसे आग्रह किया गया है कि जहां भी 10 फीट रोड है और वहां एम्बुलेंस अग्निशमन वाहन नहीं जा सकती उस जगह को छोड़कर बाकी दुकानदारों को रिहाई दी जाए जिससे कि दुकानदारों को और आम जनता को फायदा हो। पूर्व में भी हम डीएम महोदय को, जिलाधीश महोदय को आकर के इस विषय पर रिक्वेस्ट करके गए। अजमेर में 250 से 300 पटाखा व्यवसायी है जो कि अपने दुकानों के लिए, क्योंकि जो उनको पुलिस वेरिफिकेशन फायर सेफ्टी वेरिफिकेशन हो गया उसके बाद में उन्होंने ऑर्डर कर दिया, बुकिंग कर ली, अपना जो माल है उसको मंगवा लिया। ऐसी स्थिति में जिस प्रकार का निर्णय है फायर सेफ्टी ऑफिसर ने जो समीशन दिया है कि दुकानें एक साथ लगनी चाहिए, पूर्व में भी 2019 में इस प्रकार का निर्णय हुआ था जिस पर फायर सेफ्टी ऑफिसर जो उस समय तत्कालिक थे उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा जनहानि होने की आशंका है क्योंकि पटाखे जो है वो जिलेटिन उसमें लगा होता है और जिलेटिन तेज धूप में आग पकड़ लेता है। और पटेल मैदान हो चाहे चंद्रवरदाई चाहे खेल चाहे तोपदड़ा हो, अगर वहाँ पर दुकानें लगी तो नगर निगम इस स्थिति में नहीं है कि पुख्ता पट्टी पोस्ट दुकान बना करके दे दे जिसके अंदर वो अपना स्टॉक रख पाए। टेंट ही लगेगा और टेंट में सबसे ज़्यादा खतरा आग लगने का रहेगा, उसकी सेफ्टी नहीं रह पाएगी, रात को चोरी चकारी होने की आशंका भी ज़्यादा रहेगी। ऐसी स्थिति में जबकि नियम के अंतर्गत है कि जिसकी पुख्ता पट्टी पोस्ट दुकान होगी, जिसके पास में स्टॉक रखने का स्थान होगा और जो 40 फीट से ज़्यादा रोड पर होगा उन्हीं को परमिट किया जाएगा, तो इस प्रकार का यह निर्णय बिल्कुल अव्यवहारिक है। और मैदान के अंदर, खुले मैदान में अगर ऊपर से कोई पटाखा आके गिरा तो सारी दुकानों में आग लग सकती है। ये सब बातें हमने इस सारे विषय को अभी कलेक्टर साहब को रखा है, जिलाधीश महोदय को कहा कि एक बार पुनः इस पर विचार करके इस निर्णय पर कार्रवाई करें कि हाँ जहाँ पर लगता है कि 10 फीट की और 20 फीट की गली में कोई दुकान लगती है उनको स्वीकृति नहीं दी जाए, लेकिन बाकी 250 जो व्यापारी है जो कि 40 से 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट की रोड पर जिनकी शॉप्स है उनको स्वीकृति दी जाए जिससे ये अपना व्यापार कर पाएँ। 2 साल बाद उनको व्यापार करने की मौका मिला है और आम जनता के लिए भी सुविधाजनक है क्योंकि वो अपने क्षेत्र में ही वहाँ पटाखा खरीद करके वहीं पर वो ले जाएगा, नहीं तो भीड़ जहाँ पर उमड़ेगी, भीड़ उमड़ी और उसमें कोई बड़ा हादसा हो गया तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय की जाएगी, इस पर प्रश्न लगा हुआ है। 2 साल के कोरोना के गैप के बाद अब की बार लोग दिवाली उत्साह से मना रहे हैं और हमारे जो फटाखे व्यापारी हैं इनकी जो समस्या थी कि फटाखे को जो लाइसेंस हर साल देते थे इनके एरिए में वो नहीं देखे, प्रशासन ये कह रहा है कि हमने कुछ चीज़ वो कर दी है, लोकेट वहाँ करिए आप लोग। तो हमारी मांग थी कि जो जिन्होंने जहाँ के लिए अप्लाई किया है उनको फाट वहीं दिया जाए जहाँ सेफ्टी से दुकान लगा सके ये और अपना व्यापार कर सके, क्योंकि आज 2-2.5 साल बाद तो व्यापारियों को अवसर मिला है और राजस्थान सरकार भी ये चाहती है कि व्यापारी उत्साह के साथ दिवाली मनाएं और इसका अपने परचेजिंग सेल करें। और प्रशासन से हमने कहा था कि उसमें जो नगर निगम के आगे फायर ऑफिसर हैं उनकी बात को रिव्यू किया जाए और ये देखा जाए कि जहाँ दुकानें सेफ है वहाँ लाइसेंस अच्छे रूप से दिया जाए। तो कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि बुला के बात करेंगे, रिव्यू करेंगे और उनको लाइसेंस मिलेंगे।